हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद। इन दृष्टांतों से, कहानी से शायद हमें कितनी प्रेरणा मिले कि हमारा जीवन बदल जाए, भगवान जी के सारे वचन लग जाए। एक साधु धुनी लगाकर चिल्लाता था, जो चाहोगे वो पाओगे, और लोग हंसते थे। एक बार एक युवक गुजरा उधर से, उसने बोला, तुम क्या बोलते हो, जो चाहोगे वो पाओगे, क्या ये पॉसिबल है? मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, तुम चिल्ला रहे हो, जो चाहोगे वो पाओगे। साधु ने कहा, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने बोला, मैं एक हीरा मोती, मैं हीरों की तरह बनना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। बोला, बेटा बिल्कुल बन सकते हो, मैं तुम्हें एक हीरा एक मोती देता हूँ, तुम जीवन इससे अपना जीवन बना लेना। उसने उसकी एक हथेली पर अपनी हथेलियों को खोलने को कहा, बेटा ये लो, दुनिया का अनमोल हीरा है, इसको बोलते हैं समय, इसे जाने मत देना। ये दूसरा हाथ में हथेली पर मोती है धैर्य, जब भी तुम धैर्य रखोगे और जब भी तुम समय की वैल्यू करोगे तो तुम हीरे मोती जैसा बिजनेस कर सकोगे। वो लड़का धन्यवाद करके चला गया। उसने अपने से ही निश्चय लिया कि मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बना। अपने साथ समय और धैर्य को साथ रख के हम जो चाहेंगे वो बन पा सकते हैं। तो उस लड़के ने पाके दिखाया। ब्यूटीफुल ना, भगवान जी बोलते ना, टाइम इज मनी मोर देन मनी। और धैर्य रखो, जब आवे संतोष धन सब धन दूल समान, ये भी बोलते हैं ना। तो इसकी सीख ये है कि धैर्य और समय की वैल्यू करने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है, वो जो चाहता है वो पाता है। दूसरा है, एक बार बुद्ध भगवान प्रवचन दे रहे थे, धरती माता की तरह तुम लोग हो जाओ सहनशीलता वाले, क्रोध वाला खुद जल जाएगा, सभी को जला डालता है। पास में ही एक क्रोधी बैठा था, जहां उनके प्रवचन चल रहे थे। बोला, तुम पाखंडी हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध भगवान शांत रहे, वो उनको थूक कर चला गया। दूसरे दिन पछतावा हुआ, पूछा, बुद्ध कहाँ है? देखा वो कहीं दूर गांव में थे, उसने ढूंढ लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा याचना करने आया हूँ। बुद्ध ने बोला, बीते कल को मैं छोड़कर उधर ही आया था, तुम्हें गलती का एहसास हो गया है, निर्मल बन गए हो, बीते हुए कल के कारण आज नहीं बिगाड़ो। इसी से ही उसका परिवर्तन हो गया, ऐसा पश्चाताप करने से। एक और दृष्टांत है, एक बार एक राजा से साधु प्रसन्न होकर ताबीज दिया। बोला, कभी भी जिंदगी में हताश निराश हो जाओ, सब खत्म हो जाए, तब इसको खोलना। फिर अपने सैनिकों के साथ वह राजा जंगलों में चला गया, जहां चढ़ाई करनी थी। वहां से कुछ सैनिक उससे अलग हो गए और राजा अकेला पड़ गया। इतनी देर में वहां से कुछ पांव की आवाज आई और उसने डर गया कि अभी कहां जाऊं, मैं अकेला हूं, वहां एक गुफा थी, वहां छुप गया। तब उसे याद आया कि जब हताश निराश हो जाओ, कुछ ना बचे, तब तुम इसको खोलना। और उसने वो पर्ची खोला जिस पर लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। उसको लगने लगा कि ये सब क्या है, हम सब परिस्थितियों में दब जाते हैं, और जब हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, जब तब समझ ना आए, तब उसने देखा कि ये भी गुजर जाएगा।
उसी समय अपने हम गुरुदेव को याद करें, आराध्य देव को याद करें, दुखों से मुक्ति हो जाती है। एक बार एक आदमी संत के पास गया, उसने बोला इस पत्थर को बेचना नहीं, कीमत पूछना। वो कुछ दीक्षा लेने गया था, लेकिन साधु ने उसको बोला इस पत्थर का कीमत खाली पूछ के आना। वो गया, रास्ते में एक आम वाला था, उसने आधा आम देना चाहा, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू देना चाहा, जोहरी जो दुकान का था वो बोले बहुत कीमती है ये, चलो तुम 10,000 ले लो। नेक्स्ट जोहरी के पास गया, उसने बोला 50,000 ले लो, अच्छा तुम 1,00,000 ले लो। उसने नहीं बेचा। दोबारा भी आवाज आ रही, जितना चाहो मैं दे दूंगा, तुम आ जाओ। वो संत के पास गया और बोला कि देखो किसी ने इसकी कीमत 10 आम डाली, एक ने एक बोरी डाली, एक ने इतना डाला। उसने बोला ऐसे ही ये जीवन है, दुनिया जितना पहचान सकती है वो उतना ही मूल्य करती है। तुम सिर्फ अपने को, खुद को तराशो, कभी भी अपने आप को कम ना समझो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दृष्टांत। एक बार एक गरीब हमेशा आने जाने वाले लोगों को देखता कि जे लोग जो अंदर जाते हैं किसी संत के पास और जे हंसते हंसते आते हैं, सोचा मैं भी जाऊं और उसको अपनी बात सुनाऊं, शायद मैं भी खुश हो जाऊं। सारे लोग खुश होते हैं। वो गया, पूछा उसने संत को कि मैं गरीब क्यों हूं, मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ, ले पाता हूँ। संत ने बोला तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को, सुनना ध्यान से, हम भी यही खाली पैसे की जरूरत नहीं होती है। उसने बोला तुम्हारे पास मुंह है, तुम मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, तुम्हें मुख दिया गया है भगवान की तरफ से, तुम अपनी निर्धनता का भाव दूर हो जाएगा जब तुम इन बातों की तरफ ध्यान दोगे। उस आदमी का चेहरा खुश हो गया। सीख था कि धन हो या ना हो, मन को हमेशा उत्साहित रखें, जिससे बाकी लोग भी खुश हो जाएं तुम्हारे साथ। है ना प्यारा प्यारा भगवान के प्यारे प्यारे वचन, जिससे हम कितनी अपनी बुद्धि को खोल सकते हैं। सारी कृपा गुरु की होती है, लेकिन हमारी सिर्फ बुद्धि खोलते हैं गुरु, और छोटे छोटे दृष्टांत देके हमारी बुद्धि को कितना भंडार से भर देते हैं। हरिओम हरिओम। माया का डर सा
तू धीरज तो धर।